जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन श्री राम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आई एम मिस्टर विनोद कुमार गुप्ता, योर कंप्यूटर टीचर, एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट डिवाइस ड्राइवर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वी विल लर्न अबाउट सम कॉमन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दैट इज एंटीवायरस, बैकअप यूटिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, मेगमेंटर, इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टूल्स। In last lecture, we have discussed about the classification of software, that is system software and application software, and we have discussed the types of system software and character user interface operating system and GUI, that is graphical user interface operator, language processors, that's all. So now I am going to start the new topic, that is device driver. So let us start. So the today's objective of this chapter, this topic is we will learn about device driver, utility software. So in the utility software we will learn about all of these, that is antivirus, utility, backup utility, compression utility, disk defragmenter, and encryption and decryption tool. So now I am going to start one by one, that is first of all device driver. So what is device driver? A device driver is a program. It is a program that contains instructions for a hardware to function. ठीक है, क्या मतलब इसका? एक डिवाइस ड्राइवर एक प्रोग्राम है दैट कंटेन्स, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन को रखते हैं फॉर हार्डवेयर टू फंक्शन। ठीक है, हार्डवेयर को चलाने के लिए फंक्शन को, हार्डवेयर जैसे आपका कोई कंप्यूटर हार्डवेयर है, हार्डवेयर का पार्ट है, तो उसको फंक्शन करने के लिए, उसको चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर का प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, और वो उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, इट लिंक्स ए हार्डवेयर डिवाइस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, इट लिंक्स ए हार्डवेयर डिवाइस, यानी कि हार्डवेयर डिवाइस का जो लिंक होता है वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। ठीक है, हार्डवेयर कोई भी हार्डवेयर होगा वो अपने सिस्टम के से लिंक होता है। द डिवाइस ड्राइवर कंटेन्स वेरियस रूटीन्स दैट लेट इट फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर में बहुत सारे ऐसे रूटीन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं कि उसका फंक्शन प्रॉपरली काम करे। ठीक है, किसका फंक्शन? डिवाइस ड्राइवर का फंक्शन, इट्स फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, व्हेन ए न्यू हार्डवेयर डिवाइस इज एडेड टू द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर में नया हार्डवेयर डिवाइस ऐड किया जाता है, सच है, मान लेते हैं कि वो सीडी रोम है, प्रिंटर हो सकता है या साउंड कार्ड हो सकता है, इस ड्राइवर मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। ठीक है, कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर ड्राइवर को यूज करने से पहले वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। The driver for a hardware device is usually provided in the form of an installation CD. ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस का जो ड्राइवर होता है वो यूजली या तो CD के फॉर्म में आता है, इंस्टॉलेशन CD के फॉर्म में प्राप्त होता है, या आप उसको और कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, या तो आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? देयर आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कुछ ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ठीक है, दे असिस्ट द यूजर्स टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो असिस्ट का मतलब है हेल्प करते हैं, यूजर का हेल्प करते हैं टू इंश्योर, ये इंश्योर करते हैं कि हेल्प करने में इंश्योर करते हैं कि फंक्शन जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है वो स्मूथली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो स्मूथली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज श्योर करते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कुछ कॉमन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है
वो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीवायरस की, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो आपका किसका पार्ट है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक है। व्हेन वी यूज सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इन आवर कंप्यूटर और वी एक्सप्लोर द इंटरनेट, आवर सिस्टम इज ऑलवेज अंडर द थ्रेट ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विथ कंप्यूटर वायरस विच कैन बी कॉज एनी टाइप ऑफ डैमेज टू आवर कंप्यूटर सिस्टम। क्या मतलब इसका, जब हम कंप्यूटर में कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को यूज करते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या है, वो हार्ड डिस्क हो सकता है, वो पेन ड्राइव हो सकता है, वो सीडी हो सकता है, वो डीवीडी हो सकता है, ठीक है। जब हम उसको यूज करते हैं, वी एक्सप्लोर द इंटरनेट, या हम इंटरनेट को चलाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और सिस्टम इज ऑलवेज अंडर द थ्रेट ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद कंप्यूटर वायरस। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमेशा कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड होने का एक डर बना रहता है, इन्फेक्टेड होने का एक डर बना रहता है, ठीक है। Which can be cause any type of damage to our computer system, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी नुकसान, किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है। These virus are specially designed program, ये वायरस विशेषकर एक प्रोग्राम बने डिजाइन किए जाते हैं, विशेषकर एक प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ये वायरस हैं, which can be replicate and spread very quickly from one system to another system, जो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर बहुत तेजी से रिप्लिकेट होते हैं। मतलब कि रिप्लिकेट का मतलब है एक एक कॉपी, मतलब बनाते रहते हैं, जिस फोल्डर में जाते हैं उसमें एक कॉपी बनाते रहते हैं, यानी रिप्लिकेट का मतलब है बढ़ना, ठीक है। रिप्लिकेट मतलब बार बार रिपीट करना, बढ़ना और बहुत तेजी से, ठीक है। सम टाइम्स कभी कभी दे अटैच देमसेल्फ टू द यूजर फाइल्स एंड करप्ट द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, कभी कभी वो यूजर फाइल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और उस फाइल को, उसमें जो स्टोर इंफॉर्मेशन होता है उसको करप्ट कर देते हैं, यानी खराब कर देते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस आर, कुछ एंटीवायरस के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका क्विक हिल है, AVG है, मैकफी है, अवास्ट, ठीक है। आप नॉर्टन के बारे में जानते होंगे, नॉर्टन सॉफ्टवेयर जो ये भी आपका एंटीवायरस है, और भी बहुत सारे एंटीवायरस है, लेकिन यही सब एंटीवायरस क्या है आजकल जो है ये सब मतलब प्रचलित है, जो अच्छे एंटीवायरस है, ठीक है। तो ये हो गया एंटीवायरस, यानी एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रकार का बना बनाया स्पेशल प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में, वो चाहे सीडी के जरिए, चाहे एक्सटर्नल डिवाइसेस के जरिए या इंटरनेट के जरिए हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, ठीक है। और हमारे कंप्यूटर को किसी फाइल को करप्ट कर सकता है, ठीक है, उसके अंदर फाइल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारे कंप्यूटर को जो वायरस होते हैं, वायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है बैकअप यूटिलिटी, ठीक है। डेटा स्टोर इन द डिस्क बैकअप यूटिलिटी, ठीक है। बैकअप यूटिलिटी का मतलब क्या है, डेटा स्टोर इन द डिस्क कैन गेट डैमेज ड्यू टू सम हार्डवेयर फेलियर और सम नेचुरल क्लैमिटी, ठीक है। इसका देखिए यूज कहां पे है, मान लीजिए कि आपका जो है कंप्यूटर है उसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है और वो कभी डैमेज हो जाए ड्यू टू सम हार्डवेयर फेलियर, कुछ हार्डवेयर फेल होने की वजह से या कुछ नेचुरल फिनोमिना होने से, अगर आपका हार्ड डिस्क डेटा आपका, मतलब डेटा आपका डैमेज हो जाए, डेटा आपका नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए डेटा, तो उसके लिए क्या सिस्टम बनाया गया है कि यूजर डेटा इन सिस्टम स्केयर रिसोर्सेज एंड कैन नॉट बी रिक्रिएटेड इजीली। और तो उसके लिए मतलब क्या हो सकता है कि देखिए, अगर आपका डेटा लॉस होगा तो आप उस डेटा को, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि उसको आप जल्दी से इजीली मिलते नहीं है, ठीक है, उसको रिक्रिएट करना मुश्किल होता है, यानी उसको पुनः प्राप्त करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो
अगर आप बैकअप यूटिलिटी का यूज करते हैं, यूजिंग बैकअप यूटिलिटी वी कैन कीप द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो बैकअप यूटिलिटी के जरिए जो है हम अपने डाटा को, अपने इंफॉर्मेशन को कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम वेयर इट कैन कवर्ड इन केस ऑफ सम डेटा लॉस। ठीक है, जहां से आपका ये कुछ जो डेटा लॉस है उसको कवर कर सकता है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि बहुत बहुत हद तक आपका जो डेटा हो उसको बैकअप करके रखेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर फेल होता है, कंप्यूटर आपका जो है कुछ डेटा लॉस हो जाता है या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, तो आप उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं, फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैकअप यूटिलिटी का यूज, हर चीज का यूज है बैकअप यूटिलिटी का भी, देखिए यहाँ पे बहुत मेजर रोल है। ठीक है, नेक्स्ट कंप्रेशन यूटिलिटी, इसका क्या मतलब है, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये डेटा को कंप्रेस करता है। ठीक है, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, यूज। ठीक है, दिस यूटिलिटी फैसिलिटेट्स द कंप्रेशन ऑफ लार्ज फाइल्स सो दैट दे टेक लेस स्पेस इन द स्टोरेज डिवाइस। ये यूटिलिटी क्या करता है, ये यूटिलिटी क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज फाइल को कंप्रेस करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, बहुत मान लीजिए 1000 MB का कोई फाइल है और उसको कंप्रेस करके कितना कर देगा, 500 MB कर सकता है, 600 MB कर सकता है, 400 कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम कंप्रेशन यूटिलिटी कौन सा यूज कर रहे हैं, सो दैट इट दे टेक लेस स्पेस इन द स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जिससे कि स्टोरेज डिवाइस में कम स्पेस ले, कम जगह ले। ठीक है, सच कंप्रेस्ड फाइल कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बट रिक्वायर्ड टू बी डीकम्प्रेस इन टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, इस कंप्रेस फाइल को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज हमने एक फाइल कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद सीधी सी बात है कि उसका जो मेमोरी स्पेस होगा वो कम हो जाएगा। अब हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसको हम ओरिजिनल फॉर्म में डीकम्प्रेस नहीं कर देते, बट रिक्वायर्ड टू बी डीकम्प्रेस इन टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, इसलिए हमें क्या होगा, उस कंप्रेस फाइल को हमें डीकम्प्रेस करने की जरूरत होगी जिससे कि वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो बाद में हम अगर हमको यूज करना हो तो हम डीकम्प्रेस कर सकते हैं, फिर उसको क्या करके कंप्रेस करके फिर उसको रख सकते हैं। वेरियस कंप्रेशन यूटिलिटीज, कुछ कंप्रेशन यूटिलिटीज हैं जैसे बिनदैर है, बिनजिप है, केजीबी आर्चीवर है, सिक्योर जिप है, 7ZIP है, ये सब क्या है, कंप्रेशन यूटिलिटी है, कुछ बैकअप कंप्रेशन यूटिलिटी है जिसका यूज करके लोग अपने कंप्यूटर के फाइल को छोटा कर देते हैं, कम अमाउंट, कम स्पेस का कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिफ्रेगमेंटर, इसका क्या मतलब, इसका क्या यूज है। तो फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ए सिंगल लार्ज फाइल एट डिफरेंट नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, आप फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, जो हमारे कंप्यूटर का जो मेमोरी ब्लॉक होता है वो क्या काम करता है कि अगर हमारे कंप्यूटर में डुप्लीकेट फाइल्स है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में एक्स्ट्रा स्पेस को बनाए रखे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस बना हुआ है, कुछ ऐसे फाइल्स हैं जो बार बार जिसकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी फाइल्स है, ठीक है, टेम्परेरी फाइल्स हैं, अननेसेसरी फाइल्स हैं, उसको क्या करता है, उसको ये डिलीट करता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक समय के बाद वेरियस फाइल्स डिवाइडेड इनटू पीसेस गेट स्टोर्ड अक्रॉस द स्कैटर्ड मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसे कई फाइल्स ऐसे होते हैं जो मेमोरी ब्लॉक में स्कैटर्ड हो जाते हैं, स्कैटर्ड होके स्टोर हो जाते हैं। स्कैटर का मतलब है पूरी तरीके से मेमोरी ब्लॉक में फैल जाते हैं। ठीक है, डिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी हेल्प्स टू रिमूव द मेमोरी गैप्स टू एनहांस द डेटा एक्सेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। डिफ्रेगमेंटेशन से यूटिलिटी से जो इनहेंस जो स्कैटर्ड मेमोरी ब्लॉक होता है उसको क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है गैप को, और हमारा जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये चीज उसको हम एक्सेस भी जल्दी कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, अगर वो स्कैटर नहीं रहेगा तो हम उसको जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, यानी ये भी आपके कंप्यूटर के मेंटेनेंस में इंप्रूवमेंट में काम आता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंक्रिप्शन
एंड डिक्रिप्शन टूल। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इट इज वन ऑफ द वेज, हम ये इंक्रिप्शन की बात कर रहे हैं पहले, इट इज वन ऑफ द वेज टू प्रोटेक्ट सच एज कन्वर्टिंग इट इन टू ए कोडेड फॉर्म दैट इज नॉट इजली अंडरस्टूड बाई एनीवन। ठीक है, ए एक हमारा क्या है कि कुछ डेटा को प्रोटेक्ट का मतलब है सुरक्षित रखने के लिए एक तरीका है, ठीक है, इनटू दैट इज नॉट इजली अंडरस्टूड बाय एनीवन, जो कि कोई उसको किसी व्यक्ति की द्वारा उसको आसानी से नहीं समझा जा सकता है। यानी अपने डेटा को हम अगर इनक्रिप्ट करेंगे तो एक उस फाइल को हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, जिससे कोई भी पर्सन इजिली उसको समझ नहीं सकेगा। ठीक है, द इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर ऑन द नेटवर्क जो विच कैन बी कन्वर्टेड बैक इन टू द ओरिजिनल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इट्स की। ठीक है, जब हम किसी नेटवर्क के जरिए कुछ इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और ट्रांसफर करने के साथ क्या करते हैं, उसके अंदर एक की जो होता है, जो इनक्रिप्शन की होता है, उस की की मदद से उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और की जो है वही समझेगा जिसको हम, जैसे मान लीजिए मैं सेंडर हूं और हम किसी जिसको भेज रहे हो क्या रिसीवर है, तो हम जो भी कंटेंट भेजेंगे इनक्रिप्ट करके कोडिंग करके, वो क्या करेगा, उस की के सहायता से जो रिसीवर होगा उसको डिकोड कर लेगा, यानी उस डेटा इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल फॉर्म उसको पता चल जाएगा और वो अपना काम उसका जो भी चाह रहा था डेटा उसको मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से बीच में अगर कोई भी हैकर या जो भी जो हैकर्स होते हैं जो डेटा को थेफ्ट करते हैं बीच में, वो उनके वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से तो ये हो गया इनक्रिप्शन का पार्ट हो गया। ठीक है, अब डिक्रिप्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनक्रिप्टेड टेक्स्ट टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म इट कॉल्ड डिक्रिप्शन। ठीक है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए यानी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको कहते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, तो अब जैसे फ्लेक्सक्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रीवेयर, फ्लेक्सक्रिप्ट जो है वो सबसे पॉपुलर फ्रीवेयर है दैट कैन बी यूज फॉर इनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने में काम आता है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर डिफेंस। ठीक है, डिफेंस में इसका काम आता है, बहुत उपयोगी है, बैंकिंग और ई कॉमर्स सर्विसेज। ठीक है, बैंकिंग में या ई कॉमर्स सर्विसेज में इसका बहुत उपयोग है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजों को जाने समझे। ठीक है, और कल के आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और उसके बाद कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी इसमें मोबाइल एप्लीकेशन एक टॉपिक बचा हुआ, उसको भी डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज स्टूडेंट मेक ए प्रॉपर नोट फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स एंड आस्क अ डाउट इफ यू हैव एनी इन डाउट सेशन। सो और आप लोग जो है, मैंने आपको सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दिया था, क्वेश्चन दिया था उसका, उसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए और प्लीज उसे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। जो लोग अभी तक नहीं भेज पाए हैं वो लोग हमें सेंड कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।